2018-21 पार्ट टू, 2019-22 पार्ट वन, 2018-21 पार्ट वन पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हां दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, रिजल्ट को लेकर अभी अभी फाइनल डेट जारी हो चुका है। पार्ट वन और पार्ट टू का परीक्षा बीतने के बाद रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी लाइव प्रूफ देंगे। तो सो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 4 को आयोजित बीए पार्ट वन की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हां दोस्तों, प्रवेश पत्र सुधार के लिए अपने कॉलेज में संपर्क करिए सभी स्टूडेंट्स से। जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जो है गलती हुआ है, मान लीजिए कई स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड में ऑनर्स चेंज हो गया है, फिर से कई स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया है, फोटो तक चेंज हो गया है, कई स्टूडेंट्स का कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम्स है फटाफट जाकर अपने कॉलेज से संपर्क करिए और एडमिट कार्ड सुधार करवाइए। दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू की परीक्षा बीतने के बाद रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह सूचना नोटिस जारी कर दिया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी लाइव प्रूफ देंगे। वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। जैसे सब्सक्राइब करेंगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यहां पर हम आपको सारी जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे और दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी की तरफ से सारी जानकारी वीडियो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मगध यूनिवर्सिटी द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव प्रूफ दी जाती है और पल पल की अपडेट सबसे पहले डाली जाती है। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ। सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में 1900 से ऊपर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में 2000 करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप लोग फटाफट जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये जुड़ी जानकारी जो आया हुआ इसको हम बताएंगे, उसके बाद पार्ट वन और पार्ट टू का रिजल्ट लेकर बताएंगे रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, मगध यूनिवर्सिटी द्वारा 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली स्नातक बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब इस दिन की परीक्षा 23 नवंबर को निर्धारित पालियों में होगा। जी हां, जो 4 तारीख को परीक्षा होने वाला था वो 23 तारीख को निर्धारित किया गया है। बात को समझिए सब स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 तारीख का परीक्षा ही स्थगित किया गया है, यानी 4 तारीख का परीक्षा 23 तारीख को होगा। ठीक है, 11वें महीने 23 तारीख को यानी नवंबर में। चलिए, ये क्यों रद्द किया गया है, एडमिट कार्ड जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती था जिसको लेकर जो है परीक्षा को 4 तारीख वाला परीक्षा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बाकी जो परीक्षा है समय से होगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। शनिवार को एमयू परीक्षा शाखा ने इसकी सूचना जारी किया है। परीक्षा में बदलाव किए जाने की सूचना सभी महाविद्यालय को पत्र भेज कर दिया गया है। जी हां, परीक्षा शाखा से मिली जानकारी के अनुसार केवल 4 अक्टूबर को आयोजित 2 पालियों में, जी हां दोस्तों, दोनों पालियों में की परीक्षा जो है स्थगित किया गया है। शेष परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। गौरतलब हो कि 4 अक्टूबर से स्नातक पार्ट वन की परीक्षा गया, पटना, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद व नालंदा आयोजित थी। जी हां, परीक्षा को लेकर इन जिलों 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जी हां, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र कितने बने गए हैं, तो 37 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा को लेकर सभी स्टूडेंट्स का। 18-21 के पार्ट टू के स्टूडेंट्स का परीक्षा और 19-22 पार्ट वन का परीक्षा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 18-21 पार्ट टू का परीक्षा समय पर होगा और 19-22 पार्ट वन का परीक्षा सिर्फ 4 तारीख वाला परीक्षा 23 तारीख को निर्धारित किया गया है, बाकी जो परीक्षा टाइम टेबल पर होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को फैला दीजिए शेयर करके। चलिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं पार्ट वन और पार्ट टू के रिजल्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, 2019-22 पार्ट वन का रिजल्ट और 2018-21 पार्ट टू का रिजल्ट विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने बड़ी सूचना जारी की है प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी हां, यहां पर मैं आपको सारी जानकारी लाइव प्रूफ देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2018-21 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का परीक्षा बीतने के बाद सीधा एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। जी हाँ, रिजल्ट जो है आप लोगों का प्रकाशित हो जाएगा परीक्षा बीतने के एक सप्ताह बाद। यानी आप लोगों का जैसे कि प्रैक्टिकल परीक्षा 30 नवंबर को खत्म हो रहा है, आप लोगों को मालूम है कि प्रैक्टिकल परीक्षा 30 नवंबर को खत्म होगा, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। 6 या 7 तारीख को जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसलिए रिजल्ट इतना जल्दी जारी किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। जी हाँ, कोरोना COVID-19 की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है परीक्षा, इसीलिए स्टूडेंट्स का फटाफट रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। जैसी परीक्षा बीतेगा रिजल्ट तुरंत तैयार करने में विश्वविद्यालय जुट जाएगी। जी हाँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। और वहीं बात कर लेते हैं 2019-22 पार्ट वन के छात्रों की। 2019-22 पार्ट वन के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2019-22 पार्ट वन के छात्रों का भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये खबर दिया है, परीक्षा नियंत्रक ने, कि इनका जैसे परीक्षा बीतेगा, आप लोगों को पता है कि 30 नवंबर को आप लोगों का भी प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म होगा, आप लोगों का भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 18-21 और जितने भी जो 18-21 के स्टूडेंट्स हैं और दो 2019-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का 18-21 और 19-22 पार्ट वन और पार्ट टू का रिजल्ट जो है एक साथ जारी होगा। ये भी मगध विश्वविद्यालय अपने आप में एक रिकॉर्ड शामिल मतलब हासिल किया है कि आप लोगों का देखिए एग्जाम फॉर्म भी एक साथ भराया गया, परीक्षा भी एक साथ ले रहा है और रिजल्ट भी आप लोगों का एक साथ प्रकाशित करेगा। यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसी साल में रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोगों का तुरंत जो है एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, चैनल पर न्यूज है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली पूरी जानकारी अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा सबसे पहले। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, सभी स्टूडेंट्स की पूरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों इसी चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा, 2000 करीब में स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, क्लिक और ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आने वाली उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।